Question number 8, let P be a matrix of order 3 by 3. We considered a matrix, general matrix, and all these entries are minus 1, 0 or 1. All these 9 numbers are either minus 1, 0 or 1. We have to find out the maximum possible value of its determinant. Determinant P can be written as A1, B2, C3 plus B1, C2, A3 plus A2, B3, C1. Minus, next 3 terms are C1, B2, A3 plus C2, B3, A1, then plus A2, B1, C3. मुझे उम्मीद है हम अपने हिसाब से निकाल सकते हैं इसे. अब हम इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं. एक बेसिक परसेप्शन यहां फील होता है क्योंकि हर टर्म की वैल्यू तीन ही तरह की हो सकती है, 1, माइनस 1 और 0. तो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ये तीनों 1 हो जाए और ये तीनों माइनस 1 हो जाए तो उस समय मैक्सिमम वैल्यू 6 हो जाएगी. अगर ऐसा हो तो 6 ही होगी, पर ऐसा हो नहीं पाता है. आइए हम देखते हैं कैसे. अगर ये तीनों 1 हो गई तो ये 1 कई तरह से हो सकती हैं. हम उनमें एक पहला केस लेते हैं कि ऑल दीज 9 एलिमेंट्स आर असाइंड वैल्यू 1. इन दैट केस दीज 3 आर 1 बट साइमल्टेनियसली दीज 3 आर ऑल्सो 1. सो 3 माइनस 3 मेक्स इट 0. To make these terms as negative term, I will consider any two of the elements as minus 1. So that ये तो अभी भी 1 बना रहेगा, लेकिन यहां minus 1 generate हो जाए. तो हमने बाकी 7 elements को तो 1 values assign किया, A1, B2, C3, B1, C2, A3 and A2. इन सबको 1 assign किया और इन दोनों को minus 1. तो ये तीनों numbers 1, 1, 1 बने रहेंगे. और B3, C1 यहां अलग अलग है. B3 यहां है और C1 यहां है. अब बाकी नंबर 1 होने की वजह से ये माइनस 1, ये माइनस 1 और ये 1 ही है. तो ओवरऑल दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 3. 3 माइनस माइनस 1 गिव्स अस 4. दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वी कैन ऑब्टेन. वी कैन वेरीफाई टेकिंग फ्यू मोर पेयर्स. लाइक हमने इन दोनों को माइनस 1 असाइन किया, C2 A3 को, और C2 A3 यहां पर है, C2 एंड दिस इज A3. अब ये तो अभी भी 1 प्लस 1 प्लस 1 है, ये अब 1 बन गया, ये फिर 1 बन गया और ये 1 ऑलरेडी है. तो फिर से वैल्यू आपको 0 मिल गई. अब आप एक और पेयर कंसीडर करते हैं, इनको आपने माइनस 1 असाइन किया, B2 C3 को. तो B2 यहां आ गया, C3 यहां आ गया, आपको फिर से यहां 1 मिल रहा है, ये माइनस 1, 1 एंड माइनस 1, अगेन यू आर गेटिंग 4. सो द मैक्सिमम वैल्यू विच एनी वन कैन गेट इज 4. सो आई विल राइट डिटर्मिनेंट ऑफ P, मैक्सिमम वैल्यू इज 4. सो द ऑप्शन, सो द आंसर इज 4. This is numerical value problem. Question number 9, routine problem of permutation combination. There are 2 sets. Set X containing 5 elements, A4, A5. This is set X. And Y be the set having 7 elements, B1, B2, B3, B4, B5, B6 and say B7. Alpha is the number of 1-1 function from X to Y. To find alpha, 1-1 function agar hum banana chahte hain, domain mein 5 element hai, to range mein bhi 5 hi element honge. To is set Y mein se keval 5 element hume utilize karne hai. To hum 7 mein se 5 element select karte hain, aur un 5 elements ko domain ke 5 element se 5 factorial tarike se associate kar sakte hain. This will be the value of alpha. Then beta is the number of onto function from y to x. Ab hum y to x dekhna chah rahe hain. Y to x agar hum dekhna chahte hain aur hum nikalna chah rahe hain number of onto function, to is baar domain ye hai aur codomain ye hai. Onto ka matlab codomain aur range equal ho jana chahiye. To ye 7 element domain ke in 5 se associate karne hai hame aur har element ka codomain mein ek preimage hona chahiye. तो हमें इससे 5 पैकेट्स तैयार करने होंगे और इन 5 से एसोसिएट करने होंगे. हम इसे ऐसा भी देख सकते हैं कि देयर आर 7 बुक्स, 7 डिफरेंट बुक्स वी हैव टू बी डिस्पर्स्ड अमंग 5 स्टूडेंट्स, 5 बॉयज, सच दैट ईच बॉय गेट एटलीस्ट 1 बुक. तो हम इन 7 चीजों को 5 ग्रुप्स बना देते हैं. एक ग्रुप बनाते हैं हम जिसमें 3 बुक्स होंगी और बाकी सब में एक एक, और दूसरे तरह का ग्रुपिंग होगा जिसमें 2, 2, 1, 1, 1, 5 groups,
पांच पैकेट तैयार करने हैं. ऐसे पैकेट कितने तरीके से तैयार करेंगे वो देखते हैं हम. 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस दिस वी आर कैलकुलेटिंग इज बीटा प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल स्क्वायर इनटू 2 फैक्टोरियल बिकॉज दे आर टू सेम साइज ग्रुप. 1 फैक्टोरियल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल. दीज आर द नंबर ऑफ वेज टू मेक 5 ग्रुप्स आउट ऑफ दीज 7 थिंग्स. वी विल डिस्बर्स देम द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स इन 5 फैक्टोरियल वेज. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा. लेट अस सिंप्लीफाई इट. यू कैन टेक 7C3 एज कॉमन. दिस इज ऑल 7C3 प्लस 7C3 इज गॉन. सो इट इज 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल. सो इट इज 7C3. दिस इज 24/8. सो ओवरऑल 4 इंटू 5 फैक्टोरियल. वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. नाउ वी विल कैलकुलेट बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल. टू फाइंड दिस वैल्यू लेट अस पुट इट हियर. बीटा इज 7C3 4 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल. सो इट इज 4 टाइम्स 7C3 माइनस 7C5. दिस इज 4 टाइम्स 7 इंटू 5. 6 इज कैंसल्ड, 4 फैक्टोरियल इज कैंसल्ड माइनस 7 इंटू 3. दिस गिव्स अस 140 माइनस 21 और 119 विच इज आर आंसर.